हेलो गाइस, व्हाट्सएप कैसे हो दोस्तों। फिर से आ गया आपका भाई एक और न्यू वीडियो के साथ। और आज का वीडियो होने वाला है बहुत ही इंटरेस्टिंग, क्योंकि आज मैं आपके लिए एक अनबॉक्सिंग वीडियो फिर से लेकर आया हूं। और आज जो अनबॉक्सिंग मैं कर रहा हूं वो एक मोबाइल फ़ोन्स का है और ये सैमसंग ब्रांड का है। तो चलिए बिना देर के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। और अगर उससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को भी कर लीजिए आप लोग सब्सक्राइब, और नोटिफिकेशन ऑल पर क्लिक कर दीजिए और वीडियो को कर दीजिए स्टार्ट करने से पहले एक लाइक। तो चलिए बिना देर के करते हैं अपने वीडियो को स्टार्ट। और ये फ़ोन है सैमसंग A13, गैलेक्सी A13 मॉडल है इसका, और इसी का मैं अनबॉक्सिंग करने वाला हूँ गाइज। तो चलिए बिना देर के करते इसको अनबॉक्सिंग। चलिए इसको बॉक्स को ओपन करके मैं दिखाता हूँ इसके लुक्स कैसे हैं, इसमें क्या क्या स्पेसिफिकेशन है, सारा ऑन करके आपको मैं दिखाने वाला हूँ। चलिए तो आपका ये देखिए ब्रांडिंग आता है, ये देखिए फ़ोटो आप लोग देख पा रहे हो इसका। और देखिए यहाँ पे गैलेक्सी A13 मॉडल है और इस तरह का कुछ बैक इंटरफेस दिया हुआ है इसका। और यहाँ पे देखिए इसके बैक में कुछ इसके मेन इंटरफेस है। इसका जो प्राइस है वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा और डिस्क्रिप्शन में भी लिंक दे दूंगा, वहाँ से आप चाहो तो इसे बाय भी कर सकते हो। तो चलिए इसको मैं यहाँ पर दिखा देता हूँ, उसके कुछ मेन स्पेसिफिकेशन दिए हुए हैं। इसका जो LED डिस्प्ले है वो काफ़ी बड़ा है, 16.72 सेंटीमीटर का आता है डिस्प्ले। और इसकी जो कैमरे की बात की जाए तो इसमें 4 क्वाड कैमरा है, क्वाड मतलब यहाँ पे 4 कैमरे दिए गए हैं। और बैटरी लाइफ की बात की जाए तो 5000 mAh की बैटरी है विथ 15W की फास्ट चार्जिंग सपोर्ट को भी करता है ये, ठीक है। चलिए इसको बिना देर के करते हैं इसको बॉक्स को ओपन। और तो गाइस देखिए बॉक्स को ओपन करने पे यहाँ पे देखिए मेरे को एक टूल किट दिख रहा है। अब देखिए यहाँ पे टूल किट में एक दिया है, एक पिन इजेक्टर दिया है। तो चलिए इसको करते हैं साइड में और इसमें देखते हैं क्या क्या है। कुछ शायद पेपर बॉक्स है, प्रॉपर्टी के पेपर्स थोड़ा सा देख लेते हैं क्या क्या है। तो आपको यहाँ पे रीजनल लॉक गाइड दिया है जो कि इंडिया से है, तो यहाँ पे इंडियन का एक दिया गया है, शायद आप देख पा रहे होंगे। और देखते हैं और क्या इसमें दिया गया आपके साथ, कुछ मैनुअल्स दिया गया है कुछ यहाँ पे पढ़ने के लिए। चलिए इस सबको मैं कर लेता हूँ साइड, आप लोग बाद में पढ़ लीजिएगा। और यहाँ पे आता है वापस से आपका एक फ़ोन, देखिए काफ़ी अच्छा दिख रहा है। चलिए इसको करते फ़ोन को फिलहाल साइड में और देखते हैं हमको इसके साथ क्या मिलता है। तो यहाँ पे आपको एक चार्जर मिलता है जो कि फास्ट वाट सपोर्ट करता है, 15W का एक चार्जर है जो कि फास्ट चार्जिंग को भी सपोर्ट करता है। और टाइप जो होने वाला है वो मैं देखता हूँ इसका टाइप क्या है। तो इसका केबल हो देखिए गाइज कितने अच्छे से पैकिंग किया गया है। चलिए इसको भी मैं निकाल लेता हूँ। और टाइप कौन सा है, ऑब्वियसली यार टाइप सी होना चाहिए बेटर, क्योंकि अब जितने भी फ़ोन सारे सब में टाइप सी, यानी दोनों तरफ से आप इसको लगा सकते हो, फास्ट चार्जिंग सपोर्ट करता है, अच्छी बात है। तो यहाँ पे टाइप सी आपको मिल जाता है केबल जिससे आप चार्ज कर सकते हो। एक चार्जर और बॉक्स में कुछ है नहीं, आई थिंक मुझे लगा सैमसंग भी ईयरफोन अभी देता होगा, हालांकि सैमसंग ने भी ईयरफोन हटा दिया है तो ईयरफोन अभी इंक्लूड नहीं कर रहा है। पहले के जितने भी सैमसंग फ़ोन आते थे उसमें सब कुछ आपको मिलता था, ईयरफोन्स वगैरह, बट अब हटा दिया है। पता नहीं सैमसंग और एप्पल के टक्कर में सैमसंग का क्या हाल होने वाला है, चलिए देखते हैं। और इसकी लुक की बात की जाए तो ये देखिए गाइस काफ़ी अच्छा कूल सा फ़ोन दिखता है, मतलब हाथ में लेने के बाद लगता है भाई फ़ोन है कुछ तो है यार कसम से। और यहाँ पे देखिए एक बारकोड है, चलिए इसको मैं हटा के देखता हूँ कैसा क्वालिटी दिखता है। अब देखिए फ़ोन की जो लुक है, अब फ़ोन का लुक देखिए आप लोग, काफ़ी अच्छा लग रहा है, ग्लॉसी लुक है, चमकीला, मतलब एक फ़ोन लुक। आपको शायद पता होगा एक अभी हाल ही में लॉन्च हुआ है सैमसंग अल्ट्रा शायद S22 है, इसमें आप लोग देखते होंगे बहुत सारे वीडियो की चांद को जूम कर लेता है, बैक लुक जो है सैमसंग का कुछ उस टाइप का दिखता है। सो मुझे काफ़ी अच्छा लगा पर्सनली, और पकड़ने में भी ज़्यादा कुछ हैवी नहीं है, मतलब लाइट वेटेड है, ठीक है नॉर्मल है। और आपको यहाँ पे मिल जाता है, आपको सबसे अच्छी बात है यहाँ पे फिंगर मिल जाता है, आपको साइड में ही फिंगर मिल जाता है, और 2 वॉल्यूम बटन अप डाउन है, और आपको इसमें इसी का बटन जो है पावर ऑफ द ऑफ ऑन के लिए है। ऊपर यहाँ पे देखिए सेकेंडरी माइज है नॉइज कैंसिलेशन के लिए, यानी कह सकते हैं कि अगर आपका सराउंडिंग वगैरह
शूट करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं छोटा मोटा वीडियो, तो आपका जो सराउंडिंग में ज़्यादा हल्ला गुल्ला हो गया थोड़ा सा नॉइज़ कैंसिलेशन करता है थोड़ा सा। और आपको यहाँ पे इजेक्टर दिया है, अब ये देखेंगे हाइब्रिड है, यानी एक सिम लगता है कि दो सिम लगता है, एक बार में दो सिम और आप एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो कि नहीं। चलिए इसको इजेक्ट करके देख लेते हैं, काफ़ी अच्छी बात है, मज़ेदार बात है। तो गाइज आप लोग एक बार में दो मेमोरी एक बार में दो सिम और एक मेमोरी कार्ड लगा सकते हो एक ही टाइम में, जो कि अच्छी बात है। लेकिन बहुत सारे ऐसे फ़ोन हैं जिसमें आप एक बार में ये तीनों नहीं लगा सकते, या तो आप दो सिम लगाओ या फिर एक मेमोरी कार्ड और एक सिम लगाओ। बट इसमें क्या है, एक मेमोरी कार्ड और दो सिम एक साथ तीनों को इस्तेमाल कर सकते हो। ये काफ़ी अच्छा लगता है मुझे, ये तीनों हमेशा देना चाहिए, हर फ़ोन में होना चाहिए, बट मेरे हिसाब से तो होता नहीं है। और हालांकि सैमसंग और एप्पल का टक्कर चलते रहता है, आप लोग को शायद जानकारी हो, सैमसंग S22 अल्ट्रा और 14 प्रो में काफ़ी ज़्यादा टक्कर है, हालांकि वाटरप्रूफ है और इसमें भी ज़्यादा कह नहीं सकते वाटरप्रूफ है, बट कुछ हद तक आपका स्वेट वगैरह पसीना वगैरह जिस पे चला जाता है तो ज़्यादा कुछ हानि नहीं होगा ना इस फ़ोन में। चलिए इस फ़ोन को बूट करके देखेंगे और कैसा दिखता है। उससे पहले आपको दिखा दें कि यहाँ पर आपका स्पीकर है और यहाँ पर आपका चार्जिंग पोर्ट है और यहाँ पर आपका जो है पोर्ट दिया है, मतलब कह सकते हैं यहाँ पे हेडफोन का जैक भी दिया है। हालांकि अब सब फ़ोन में धीरे धीरे हटा रहा है हेडफोन, देखिए जरूरत है नहीं कि बहुत ज़्यादा क्या कह सकते हैं, मतलब अभी डेवलप हो रहा है इंडिया यार, हम लोग ईयरबड्स का इस्तेमाल करते हैं बहुत सारा। आपने शायद ईयरबड्स का मेरा पिछला वीडियो देखा होगा, अगर नहीं देखा है तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूंगा, आप उसका भी देख लीजिए। ईयरबड काफ़ी अच्छा ईयरबड है, आप उसका इस्तेमाल कर सकते हो और गेमिंग भी है। तो चलिए अब इसको फर्स्ट बूट ऑन करते हैं और देखते हैं कैसा फर्स्ट लुक होने वाला है। तो गाइस सैमसंग की यहाँ पे देखिए ब्रांड दिख रहा है और गैलेक्सी सिक्योर्ड बाय नॉक्स देखिए, बूटिंग हो रहा है, तब तक के लिए थोड़ा सा वेट कर लेते हैं, बूट होने दीजिए। तो गाइस फर्स्ट लुक ऐसा है कुछ इसका, और इसका कुछ मैं आपको सेटिंग्स वगैरह दिखा देता हूँ। एंड्रॉयड 12 पे है जो कि काफ़ी अच्छी बात है, एंड्रॉयड 12 पे दिया गया है, एंड्रॉयड 12 पे बेस्ड है, एंड्रॉयड 12 का आपको सेटअप पहले से ही मिलता है नेक्स्ट एकदम बिल्कुल न्यू में, यानी आपको बिना कोई अपडेट के वेट किए आपको नॉर्मल 12 का वर्जन आपको मिल जाएगा स्टार्टिंग से ही। और उसकी कैमरे की बात की जाए, देखते हैं कैमरा कैसा है इसमें, कैमरा का लुक कैसा है थोड़ा सा वो भी देखा जाए। तो गाइस यहाँ पे कैमरा का लुक देख सकते हैं, मतलब डिसेंट एक लुक, अच्छा डिसेंट लुक देता है, मतलब कह सकते हैं ग्रेन्स वगैरह ज़्यादा इसमें नहीं आ रहा है, वाइड रेंज आपको मिला हुआ है, 2x 1x काफ़ी अच्छा है, डिसेंट लुक देते। चलिए क्लिक करके देखते हैं फ़ोटो, तो फ़ोटो आपको दिखाता हूँ मैं, फ़ोटो भी बिल्कुल डिसेंट फ़ोटो खींचता है, मतलब ज़्यादा कह सकते हैं, मतलब ओवर नहीं करता, एक्सपोज नहीं करता है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। कि मैं लेता हूँ ऊपर अप साइड का, और ये देखिए ये भी मतलब डिसेंट फ़ोटो है, ज़्यादा फटता भी नहीं है, काफ़ी अच्छा है जूम करने के बाद, मुझे तो अच्छा लगा एक्सपीरियंस। और देखते क्या क्या इसमें कैमरे में फंक्शंस है, वीडियो क्वालिटी कैसी है, थोड़ा सा वीडियो बना के देखते छोटा सा। वीडियो में ज़्यादा कुछ फ़र्क नहीं पड़ा, मतलब बिल्कुल क्लीन है, मतलब वीडियो में बहुत सारा ऐसा फ़ोन होता है कि लो हो जाता है लाइट पर, तो इसमें लो डिम कुछ ऐसा हुआ नहीं, नॉर्मल है, लेकिन वीडियो क्वालिटी भी ठीक ठाक है। और चलिए फ्रंट फ़ोटो देखते हैं कैसा है फ्रंट। तो गाइस यहाँ पे तो अभी कैमरा शूट हो रहा है, तो चलिए गाइस एक फ़ोटो लेके देखता हूँ कैसा लगता है। और फ़ोटो ये उलट देता है, देखिए यहाँ पे फ़ोटो की क्वालिटी अगर आप लोग देख पा रहे होंगे तो देखिए यहाँ पे फ़ोटो की क्वालिटी भी डिसेंट है, बिल्कुल ज़्यादा ओवर एक्सपोज कुछ नहीं किया, बिल्कुल नॉर्मल है। फ्रंट का वीडियो लोग वीडियो कैसा होता है, क्वाइट डिसेंट है, बहुत अच्छा वीडियो बना रहा है, मतलब कुछ ऐसा कुछ कह सकते हैं ज़्यादा कुछ में फ़र्क नहीं आता है, डिम नहीं होता लाइट, अच्छा है, वीडियो क्वालिटी के लिए भी बहुत अच्छा है, वीडियो भी बना सकते हो आप लोग, शूट कर सकते हो इंडोर्स के लिए, काफ़ी अच्छा है। और इसमें देखता हूँ क्या है, पैनोरमा मोड है, फूड है, मैक्रो है, प्रो है। तो इसकी प्राइसिंग जो होने वाली है आपको लगभग 16 से 16,500 रुपये पड़ेगा, यानी अप्रॉक्सीमेट ले लीजिए तो आप 17,000 के आसपास आपको ये फ़ोन देखने को मिल जाएगा।
और इसका जो लिंक है मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखा है, आप चाहो तो वहाँ से परचेज कर सकते हो, चाहो तो फ्लिपकार्ट से भी परचेज कर सकते हो या फिर अमेजन से भी परचेज कर सकते हो। और यहाँ पे आप चाहो तो शॉप में भी ये अवेलेबल है, आप वहाँ से भी जाओ तो गैलेक्सी A13 बोलने पे आपको वहाँ से मिल जाने वाला है। तो गाइज आप लोग कमेंट में बताओ कि आपको ये फ़ोन जो है कैसा लगा, इसका लुक और इसका स्पेसिफिकेशंस कैसा है। ये एंड्रॉयड 12 पे बेस्ड है तो काफ़ी अच्छा होगा, क्योंकि आपको पता है जितने भी फ़ोन आते थे अभी एंड्रॉयड 10 11 9 सब पे आते थे, लेकिन अब जो आने लगा 12 आने लगा डायरेक्टली। लेकिन 12 आता है, पिछले मोबाइल में भी आता है, लेकिन कुछ दिनों के बाद आपको 3 मंथ्स या फिर 6 मंथ्स के अपडेट के बाद ही आता है। तो आप लोग बताइए इसका क्या स्पेसिफिकेशन आपको अच्छा लगा, इसका कौन सा लुक अच्छा लगा। मुझे तो इसका स्पेसिफिकेशन ये 3 कैमरा जो है काफ़ी अच्छा लगता है, सबकी क्वालिटी मतलब एक देखने में प्रीमियम सा लुक लगता है। एप्पल का फ़ोन का जो प्रीमियम लुक जो है वो कुछ इस तरह का फील देता है। हालांकि आप लोग जानते हैं एप्पल और ये सैमसंग जो है आपस में टक्कर तो लाते रहते हैं अच्छे अच्छे फ़ोन्स। तो चलिए गाइस आज के लिए इतना ही, और ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। और भी आपके पास मैं ऐसे वीडियो लाते रहूँगा, रिव्यू अनबॉक्सिंग, तो हमारे चैनल को जल्दी से कर लीजिए सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन ऑल पे क्लिक कर दीजिए। और ये मोबाइल कैसा लगा है कमेंट सेक्शन में ज़रूर अपना राय दें कि आपको इसमें कौन सा अच्छा चीज़ लगा है और आप लोग कौन सा रिकमेंड करते हैं ख़रीदने के लिए। आपसे हम कमेंट से जाके पूछ सकते हैं और कमेंट में बता भी सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, फिर से मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ। लव यू गाइस, बाय बाय, टाटा।